चंदा मामा आ रे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आवा बच्ची के मुहमा घुटू भैल जमाना अब हिस्सा चाहिए अब सबके जगा दे ले हिला अब सहारनपुर में बैठा हुआ कश्यप कह रहा है हमको हिस्सा चाहिए, बलिया में बैठा हुआ बंजारा कह रहा है, नाई कह रहा है, गुण कह रहा है, पाल कह रहा है, प्रजापति कह रहा है, राजभर कह रहा है, चौहान कह रहा है हमों के चाहिए, बिंद के वटमल्ला बैठा हुआ इलाहाबाद में वो ललका रहा था, चारों तरफ ललकाई ललकारा शुरू है। लेकिन ये तो मांग सब लोग कहते रहे कि ओबीसी का जो पिछली सरकारें रही है उन्होंने कहा कि हमने हिस्सा दिया है। कहाँ दिया है? दिया होता तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म करते है। अगर दिया होता तो जो कोर्ट ने फैसला दिया था, जैसे आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सत्ता में नहीं है इस नाते प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सत्ता में थे तो प्रेस वार्ता करना चाहिए था कि इस हाई कोर्ट का फैसला जो आया हम उसका स्वागत करते हैं, हम 6 महीने के अंदर कमेटी गठित करके हम सबको न्याय देने का काम करेंगे, उस समय नहीं किए। तो हम तो भैया बराबर अपन हिस्सा मांगे थे, पिछड़न के हिस्सा चाहिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में इनको हिस्सेदारी जितनी बनती है उतना मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं निकाय चुनाव जो है इसकी वजह से ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से डिले हो रहा है। बिल्कुल आरक्षण में नहीं व्यवस्था है, तिसनाते तो डिले हो गए। किसकी कमी है? ये तो सरकार की कमी है ना, सरकार अगर व्यवस्थित आरक्षण का लागू करके किया होता तो ऐसी नौबतें नहीं आती। आखिरी सवाल है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी से शुरू करने जा रही है, सभी पार्टियों को आमंत्रित किया है, अखिलेश यादव ने कांग्रेस का भले ही अभी आमंत्रित नहीं किया लेकिन समर्थन करते हैं। देखिए हमारे यहाँ भी माननीय सलमान खुर्शीद जी का फोन आया था, हमने कहा कि 31 तारीख को हम बैठक करेंगे, जैसा निर्णय होगा वैसा अवगत करा देंगे।